बिहार के नालंदा से अजीबोगरीब केस सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप भी चौंक उठेंगे। नालंदा के एक बड़े जमींदार रहे कामेश्वर सिंह की करोड़ों की संपत्ति पर राज करने वाला कन्हैया 41 साल बाद फर्जी निकल गया। कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि वो कन्हैया नहीं बल्कि दयानंद गोस्वामी है, जो धोखेबाजी से उनका बेटा बनकर रह रहा था। जिला न्यायालय के एडीजे मानवेंद्र मिश्र ने 4 दशक पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। जज ने कहा कि वारिस बना व्यक्ति उनका बेटा कन्हैया नहीं दयानंद गोस्वामी है। फैसला सुनाते हुए करोड़ों की संपत्ति का वारिस बने दयानंद गोस्वामी को 2 अलग-अलग धाराओं में 3-3 साल और 1 धारा में 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला सुनाया गया, एक बहुरूपीय को सजा यहाँ सुनाया गया है। न्यायालय में मानवेंद्र मिश्रा न्यायाधीश जो हैं, ACJM 5 हैं, उन्हीं के न्यायालय में ये सजा सुनाया गया है। क्या क्या सजा में 420 और 419 और 120 के अंतर्गत दिया गया है। 3-3 साल का सजा दिया गया है, 10,000 जुर्माना के रूप में दिया गया है। मामला था कि ये एक राम सखी देवी मुर्गावा गांव की थी और पति का नाम कामेश्वर सिंह था। उनका पुत्र जो है 1977 ईस्वी में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए चंडी गया था, वहां से लापता हो गया और उसी का एक भर्तरी के रूप में ये जो आज तथाकथित कन्हैया को सजा दिया गया है, वो उनका पुत्र बनकर उनके घर में आ गया और कहने लगा कि हम ही आपका पुत्र हैं। तब राम सखी देवी न्यायालय में आकर ये सिलाव थाना में केस की थी, उसके आधार पे उस समय भी वो 3 महीने का जेल रहा था, उसके बाद बेल हुआ था। आज पूरी प्रकरण के साथ यहाँ जितने भी गवाहों की गवाही के अनुसार और राम सखी देवी की एक पुत्री की जो विद्या देवी अभी हैं वो मुकदमा का देख रेख कर रही हैं, उनकी गवाही के अनुसार वो दोषी पाया गया और उसके आधार पे उसको सजा दिया गया। सजा में वो तो इतना कर दिया कि जब सभी पक्ष दोनों पक्षों के बीच में जब बहस चल रही थी, बहस के दरमियान में उन्होंने एक जो सही में अभी तथाकथित कन्हैया बना हुआ है वो दयानंद गोस्वामी लखे गांव जिला जमुई का था और वो जमुई का के यहाँ वहाँ से एक जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके न्यायालय में भी दाखिल कर दिया, जिसे न्यायालय वहाँ के जमुई जहाँ से वो बनाया था वहाँ से जांच प्रतिवेदन मंगवाए, वहाँ भी वो जाली पाया गया। वो तो न्यायालय जो व्यक्ति न्यायालय के साथ धोखाधड़ी कर सकता है वो तो अमूमन है कि राम सखी देवी के साथ ही भी वो धोखाधड़ी किया था और आज धोखे के कारण वो सजा काटने के लिए तैयार हो गया। एक बहुरूपीय का अंत हुआ है इसमें।